आप सब उम्मीद करते हैं मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो फिर बहन भाई, जैसे आप सबको पता था मुझे बुखार है, बुखार की वजह से मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए और ना मैं नहा लूँ, तो क्योंकि मेरी अक्सर आदत है पहले ना बुखार में मैं नहा लेती हूँ तो फिर ना वो मेरी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब मैंने ना मैं कपड़े चेंज कर सकी और ना मैं नहा लूँ, इसी वजह से मैंने जब पहले ना मैं खाना वगैरह बना लूँ, उसके बाद जाहिर शाम भी हो रही है, यहाँ से पानी का छिड़काव मैंने कर लिया और अच्छे से, बल्कि ना मेरे साथ ना जो अपना लड्डू है ना वो भी साथ दे रहा था मेरा। अरे कैक्षा, हाँ जी कैसी हो, ठीक हो? मैंने कैक्षा से कहा बोला करो, थोड़ा बहुत तो बोला करो वीडियो में, सब कहते चुप 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 चुप, मैंने कहा भी बात ये चुप चुप की नहीं, कैक्षा बोलती है लेकिन ना वो वीडियो में इतना नहीं बोलती, बदलना ऐसी शर्म हया वाली रखे मेरी बच्ची को। जी मेरा बेटा क्या कह रहे हैं, आप मोबाइल पकड़ोगे? अच्छा, मुझे कह रहा आंटी मैं मोबाइल पकड़ता हूँ, चले जब मौका है तो आपको पकड़ा देते, तो आप बना लेते मेरी वीडियो। तो अच्छा, ये तैयब का बड़ा भाई है, ये वाला तैयब का है, ट्यूशन गया हुआ। अच्छा, और ये है बबलू, ये बड़ा है और इससे छोटा तैयब है, फिर नूर फातिमा जिसे हम अक्सर कहते हैं, ये चुड़ैल, और कहते मुझे चुड़ैल क्यों कहा जाता है ऐसे। कैक्षा क्या करी, गैस आया नहीं आया, अभी नहीं आया गैस? चलो ठीक है, कपड़े मैंने उतार कर यहाँ से साढ़े घंटा रख दिए हुए थे, खुदा मतलब अभी अम्मी की तरफ ही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये फूल जो उनसे हैं फिर कलियाँ जो उनसे इसकी बंद हो गई हैं। अब बाई मोटरसाइकिल और रिक्शों की आवाज़ें तेज तेज, तो बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह के देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, और अब कुछ खाना बनाने का बंदोबस्त करें। मैंने चावल मंगवाए हैं यहाँ से, तो कल हमने कहा था कि यहाँ से मंगवा लेना, दुकान वाले को कहकर मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने तैयब के भाई को भेजा, तो उनसे ना मैंने मंगवा लिए मसल भी और चावल भी। तो केक्षा का दिल था कि दाल चावल हो मसल हो जाए, फिर मैंने कहा चले मसल से अभी से पहले माँ कहे थे हमने चने बनाने हैं, मेरे दिन में थी दिल में आज के, मैंने कहा चने बनाए, जुकाम पहले हुआ, चलो जुकाम में ना चने अच्छे रह जाते, लेकिन नहीं, फिर मैंने जब गौरम को कॉल की तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि मसल चावल मंगवा लें वो बना, कि तीन पाव मसल इसलिए मंगवाए हैं कि ये इतनी पतली मिट्टी कर लाए हो, इतनी पतली मिट्टी करके लाए, इसमें पानी नहीं डालना था, इसमें पानी नहीं डालना था, बिल्कुल पतली कर दी गई है, और है और है मिट्टी जी, इसे भर के लाओ मिट्टी, पानी ना डाल के लाना, पानी ना डाल के लाना, इसे इसी में मिट्टी डाल लो, ठीक है। फिर मैंने सोचा चले मसल चावल हो जाए आज, ये तो इसमें से तो कुछ भी नहीं मिला, मसल जन से ना साफ ही है, बाकी चावल में होगी कोई कंकर शंकर देते जी। तो अलीना को ये बूटी की जरूरत है, कह रहे कि ये मैं दो, मैंने कहा तो मैंने कहा आप ले आए जिसमें लगानी है, मैं ना ये तोड़ देती हूँ बूटी एजेंसी है ना, कुछ नहीं होता मेरे पास भी तो इतनी सारी है ना, और ये वैसे भी बढ़ जाएगी, इसको थोड़ी भी लगाओ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उन्होंने ना नीचे सुराख इसमें किए ही नहीं है, उन्हें कहूँगी इसमें सुराख करें नीचे ना, वरना ऐसे तो ये गल जाएगी। अच्छा, और मोहम्मद देते हैं दूध, जब वीडियो बन रही होती है ना ये इसको पैसे याद आते हैं या फिर दूध, या फिर डाल दो ताकि इससे ना ये बढ़ जाए। अब वो पता करने के लिए गई है घर कि और तो नहीं चाहिए, मैंने कहा इसी में लगानी है, एक में या और में भी किसी में लगानी है ताकि मुझे बता दे। मैंने ये दो गमले से बढ़ाई है, सिर्फ दो गमले थे ऐसे मेरे पास, उस दो गमले में से मैंने ये इतनी ज़्यादा सारी बढ़ाई हुई है, क्योंकि इसे जितना मर्जी बढ़ा दें, जैसे वो कहते हैं ना दूध और लस्सी को लड़ाई को जितना मर्जी बढ़ा दें, समझे इसका वही काम है। मैं उसके पापा कहते मुझे वो वाला देना,
कौन सा वाला? पिंक वाला। पिंक वाला चलो वो दूसरा कुछ लेके आते ना, उसमें पिंक वाले लगा। ये सारे वाइट वाले लग गए, पिंक वाला भी इसमें लगा देती हूँ। ये लो पकड़ा हो ना जाके। मैं क्या, मम्मा कह रही है किसी और में भी लगवाने तो मुझे दे दो, मैं लगा देती। इतनी ज़्यादा सारी तो है। ठीक है पिंक वाला भी हो गया। और कौन सा? अच्छा ये वाला पिंक वाला भी। तो इसमें जो ना हल्का हल्का ना पानी का ना छिड़काव कर देते हैं। और मम्मा दे दे दूध, एक मिनट इधर से निकालो इन गमलों में ना बड़ी बड़ी। अच्छा सारे फूल चाहिए? ये तीन चार किस्म के फूल है मेरे पास। ठीक है ये तीन चार किस्म के मैंने निकाल दिए इसमें से ना। तो चाय वाले बर्तन है पहले दोनों। अच्छा और मोहम्मद के वो मैंने पीटा रखा वहां पे, क्योंकि ये बगैर चीनी के ना डाली नहीं आपने। डाल दी मैंने चीनी? डाल दी है? नहीं डालनी है मैंने चीनी। और अच्छा मैं इसे देखती हूँ फिल्टर से कि सिर्फ एक मिनट। और मम्मा फिल्टर वो देखो मैंने डाल के रखा हुआ है, वो दूध खुद डालने के लिए आए अम्मा। मैं चीनी डालती हूँ रुको सिर्फ ये मुझे धो दे चाय वाला बर्तन सर में उसमें दर्द। मैंने कहा मैं चाय दूँ थोड़ी सी, फिर उनको कहा मैंने कहा मेरी मेडिसिन लाजमी लेके आना, जो मुझे सुकून नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा। अब ना जिससे मेरा ताप रहा बुखार से, उससे इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बच्चों के लिए कुछ बना दूँ अभी, लेकिन बनाऊंगी जरूर क्योंकि बच्चे किसका मुंह देखेंगे। मेरे साल में दो बार पहले खाने बना लो आप। खाना बना लो पहले सारे ना दो नहीं। अच्छा चल मैं ये बाद में देखती हूँ ठीक है ना, इकट्ठे करके नहीं ना रख दे सही है। अदरक लहसुन मुझे दो ही डंडा दे दो, मैं वो साथ ही दोनों अदरक लहसुन पीस के मेरा बेटा मैं वो रखूँ बनने के लिए, क्या नाम है इसका साबुत मसल। अच्छा चीनी डालनी है इसमें, चीनी मैं भूल गई थी गैस आ गया हुआ है। अपना ये काम करूँ पहले तो, प्रेशर कुकर इसमें रखा हुआ है लेकिन वो बंद पड़ी मुसीबत से होता है, इसको उसका ना हैंडल टूट गया हुआ है कुछ ये वजह थी है। पीस लिया अम्मा जी? हाँ जी मैंने अदरक लहसुन भी इसी में पीस लिए ठीक है ना। और इधर ना चाय भी हमारी तैयार हो गई है। आपने अदरक तो पीसा ही नहीं अम्मा। अदरक लहसुन भी पीस लिए मैंने, अदरक आपने ज़्यादा ही डाला था तो इतना ही डालना ना, कम डालना है जितना मैं डालती हूँ मैं उस मुताबिक डालता, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं डाल दिया फिर इसलिए। अदरक लहसुन भी पीस गया, रह गए मैं प्याज और अपने बहन भैया की मजे की बात बताऊँ क्या होगा। साबुत मसल जैसा ना बंद मसल जो है वो मैं भी बोलना ही भूल गया। ये टमाटर तो मैंने इसमें पीस लिए, वो क्यों के रखे हुए थे ना फ्रिज में। अदरक लहसुन टमाटर इसमें पानी अभी इसमें और भी जाएगा, और ये हल्दी नमक मिर्च सारे मसाले जो हम इसमें डाल रहे हैं। ये जी लाल मिर्च हमारी, ये मैं मुझे फजैल आया आज। जैसा कि मैंने बताया हुआ कि चावल तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ये बस नमक डालना, तीन पाव चावल है। चाचू को फोन करके बता दिया मैंने। चाचू क्या कह रहे हैं? चाचू कह ठीक है बताता हूँ। क्या कह रहे हैं तुम? हाँ जी। अच्छा आपके पापा अभी तक नहीं आए। ये जीरा सिर्फ इसमें नमक और मैं जीरा ऐड करती हूँ। अच्छा घी वही ना,
घी में बस इसमें ना थोड़ा सी डाल देती हूँ ये। तो मशाला इतने ज़बरदस्त चावल बनते हैं ये। और अब देखती हूँ ज़रा, ये हमारी दाल चम्मच का मिला, चम्मच मैंने धोया भी है या नहीं, जिस चम्मच की मुझे ज़रूरत है, इन दोनों चम्मचों की मुझे ज़रूरत है, मैंने दोनों पर है फिर भी पानी मार। ये तीर मारने कसम से इतनी तबीयत मेरी ख़राब हुई है ना, और दाल तो भी गलने का नाम ही नहीं लिया इसने तो। चलो कोई बात नहीं, ये इसको फिर लगा देती हूँ। दरअसल इसमें से ना हवा निकल जाती है, ये इधर से हैंडल टूट गया ना इसका, तो फिर हवा निकलती है इसकी। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। और मैंने कभी चम्मच भी चला दिया है, वैसे दाल गल गई है लेकिन मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। चले इसमें अभी तड़का वगैरह भी लगाना है, अभी पहले बन जाए अच्छे से ना ये। और अब दोनों घरों में गैस चल रहा है, तो गैस सही शुक्र है, मैंने कहा कई जनों के दोनों घरों में गैस चलना शुरू हो तो गैस कम हो जाए। इसमें मैंने नमक मिर्च काली मिर्च सफ़ेद मिर्च और अदरक लहसुन टमाटर मैंने ये चीज़ ऐड की इसमें, और प्याज दाल में इसमें। आज मैंने कहा बघार वाली दाल बना लूँ, मसाला पनीर ना बनाऊँ, पहले मसाला पनीर बनाती ज़्यादातर, और मैंने कहा बघार वाली बना लूँगी। लड्डू हमारा सोया हुआ उन मोहम्मद अंदर है, फीडर जाहिर है जब वो वीडियो बनते हैं फिर वो कहता है मुझे फीडर दो, उसे फीडर या फिर पैसे याद आते हैं। अंदर लेट के अब शोर कर रहा है, अब सिर्फ अंदर लेट के वो खेल रहा है, अब उसका दिल नहीं लगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं? छोटे कमरे में आ रहा। अच्छा कमरे में हूँ मैं, अच्छा चीज नहीं खानी आपने, आपने क्या खाना? पापा ने क्या कहा था कल? ज्यादा चीज नहीं खानी, दांत खानी है, दांत बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हाई हो जाएगी। पापा कल क्या कह रहे थे, मैं कल क्या बना के दूंगा आपको? आलू की चिप्स। आलू की चिप्स आज दिन में आपको दी थी बनाकर? नहीं, पापा। अच्छा मैं पापा बताते हैं ना, मैं पापा से पूछती हूँ, तो अब दाल चावल तो बन रहे हैं ना, आप वो खाएंगे ना? नहीं। क्या खाओगे तुम? जो खाना है मुझे बताओ, मैं वो बना देती हूँ। चाय बिस्किट। चाय बिस्किट खाना है बाबू ने, अब आपको चाय तो बना दो, बिस्किट तो मंगा के ये खाना आपने। अच्छा उधर दाल बन जाए, मैं आपको अपने बेटे को अभी चाय और बिस्किट दे दूँगा, ठीक हो गया? अब चला गया, क्योंकि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, वो मोबाइल दूसरे वाला तो मैंने उस दिन मादर दे के तोड़ दिया, वो भी दुकानदार के पास पड़ा है। फुजैल सोया हुआ है, उसके बिना इसका दिल नहीं लग रहा। उसके बिना इसका दिल नहीं लग रहा है क्योंकि ये उसके साथ खेलता है, तो मोबाइल का 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा है, 8 हज़ार का कह रहे थे मैं उठा लाऊंगा, देख के क्या होते हैं। तो ये मेरा मोबाइल वो था जिसके इंसाना थोड़े से उसका प्रॉब्लम बन गया था, काफ़ी प्रॉब्लम बने थे इसके, लेकिन अब पिछले दिनों फिर ये बंद हो गया था, तो अब हम गए इस पर मेरे ख्याल में कोई 500-700 रुपये का खर्च हुआ, 1000 रुपये का। तो ये मोबाइल मुझे ला दिया था ठीक करवा के, लेकिन जो मेरा वो असल नंबर है वो तो मेरे सब बहन भाइयों के पास है, अब ये व्हाट्सअप नंबर मेरा किसी के पास नहीं। तो चले इंशाल्लाह हो सकता है मेरा कल वो मोबाइल आ जाए, इसमें मैं एक दो वीडियोज़ पढ़ी हैं शादी वाली के, हम शादी में गए थे तो वो वीडियो मेरी 2 महीने पहले की है, तो आज जो इंसाना मेरा दिल है कि उनका एडिट करके ना उनको भी डालती हूँ, तो फिर ये जो इंसाना मोबाइल सेल कर दो वो मोबाइल उठा दूँ, क्योंकि तो उसमें मेरा टोटल समझे मेरे चैनल का भी और बहुत सारा डाटा मेरा उसमें उस मोबाइल में, इस मोबाइल में तो कुछ नहीं है। फिर ये कि ये बेच दो, चाहिए 8 हज़ार का जाए चाहिए 10 हज़ार का जाए। जी जी अच्छा चार्जिंग पे लगा हुआ, आज तो मुझसे कपड़े भी नहीं धोने बच्चों के, वो भी ढेर लगा हुआ है। खैर जो भी होगा बेहतर ही होगा।
बाकी ये कि जैसे मैं चूल्हे के पास खड़ी हूँ ना, पसीना मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, कुछ मुझे सुकून सा महसूस हुआ है। लेकिन ये कि चक्कर आ रहे हैं मुझे बुखार की वजह से, मैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बुखार भी क्यों, मौसम की तब्दीली है जाहिर है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ सोते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ गर्मी होती है, वहाँ सोते वहाँ ठंड लगती है, बंदा जाए तो जाए। रात को बहुत ठंड थी, रात बहुत ठंड थी। हाँ फिर पापा से कहना कूलर पंखा उठा के यहाँ रखें, सही है ना। तो चावल कम अज़ कम एक घंटे हो गए इनको भीग रहे होगा, और मैंने तकरीबन इसका काफ़ी बाग पानी निकाला है। ये चावल है पुराने वाला और ये फूलता भी ज़्यादा है, अच्छा भी बनता है। पानी पक चुका है, उसमें चावल है। तो दाल हमारी तैयार है भाई, मैं लगाते हैं तड़का शड़का। और इधर जी हमारे चावल, जिनका खोलते हैं दम, फिर इनको करेंगे यकदम जी। और मोहम्मद हाँ जी ठीक हो, कैशा में तड़का लगा लूँ चावल, सही है ठीक है। अभी चल के इधर से पंखा तो बंद कर दूँ पहले। चरपाई पे रखो मेरे बेटे, जल्दी से पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मेरे से काम करो मेरे शिकार को। मैंने ना ये हरा दू क्यों कभी चरपाइयत नहीं करे फिर अपन तक कमरे में बैठ जाओ, हो सकता है आंधी वापिस भी तो मुड़ सकती है। जैसे ये लाइफ तो नहीं रही, तारे भी नहीं निकले आज। आज आज आंधी से आ गई आंटी। क्या हुआ? ओए हम करवाने गए थे। आगे ताला लगा हुआ था, फिर वापस आ गई। अच्छा हमारा तड़का लग चुका है इसमें, और फिर आंधी आई और रुक भी गई। मैं क्या दूध गर्म कर लूँ, सारे बर्तन थे जितने भी किचन के मैंने सारे धो दिए हुए, रह गया हुआ किचन धोने वाला और गया जिसमें ये तड़का शेड़का जिसमें लगाया वो रह गया, बाकी रुमाल है ये जैसे धोने वाले ये धो गए सारे। तो जी सामान उस वक्त खा पी कर जो है रखा जा रहा है वापस किचन में, किचन में रखा जा रहा है ना। पानी डाल दो इसमें, पानी डाल देती हूँ ना। हाँ मेरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ गया चलो अच्छी बात है, निकल जाए जितना अच्छा है। क्या चीज़ है ऐसे रही है। ये ऐसे ही महसूस हो रहा है निकल पे चले। और अम्मी की तबीयत कैसी थी? अम्मी की बेहतर है। दूध ठंडा करने के लिए। हाँ जी क्या एक्शन है? चावल से ही बने भी नहीं, जुड़ गए चावल। खुद की तबीयत मेरी सही नहीं थी, क्या करते चले। तो बहन भाइयों को कह रही थी वीडियो में बार बार ना कि आज जनसाना मुझे नहीं लग पा रहा मुझसे जो कुछ बनेगा, मैं कुछ बना पाऊंगी, बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे। अरे जुड़ गए कुछ नहीं होता मुझसे, तो मेरे ख्याल पहली बार ही जुड़े चले। हाँ जी आपको पता ही है, वरना लोगों के तो हर रोज जुड़े होते हैं। हाँ जी हाँ जी उनमें माशाल्लाह माशाल्लाह होती है,
कोई नहीं कोई नहीं, उनकी चीज़ उनके साथ है, हमारी हमारे साथ है, ठीक है ना। चावल भी निकालो, निकाल के फ्रिज में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम जो है एक अच्छी कुक है और अच्छा पका लेती है। तबीयत सही हो तो भाई बंदा जो मर्जी कर ले भाई, जान है तो जहान है। बिल्कुल ऐसी मेरी हालत खुद की ऐसी, बुखार नज़ला जुकाम जितनी बुरी कंडीशन थी मैं बता नहीं सकती। बस ये है तुम उसे चावल का कुछ पानी थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन फिर भी इतने बुरे नहीं बने हुए, सही है। कुछ नहीं सुबह खाए जाते नींद भी बहुत आ रही है यार। मैं तो आज नहीं हूँ, मेरा हाल देखे क्या होगा। नींद भी बहुत आ रही है। अब नहाऊं नहाऊं अब नहीं, अब नहीं, मैं ले आया हूँ, अब नहाना नहीं है क्योंकि अब जो है फिर वजूद जुड़ जाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कि नहीं, फिर वो आगे 3-4 दिन बुखार हो जाएगा, वो चीज़ जो है ना गलत हो जाएगी फिर। बुखार तो मुझे पहले भी है। अब मैं चावल ही ऊपर रखूं? नीचे नीचे नीचे, ख़राब नहीं होंगे, नीचे रख दो। वो शायद मैंने सुबह देखची निकाली होगी इन्होंने दूध की, तो उसी की पड़ी होगी अंदर। वो रोटी तो इसलिए रखी हुई थी ना, मैंने तल के काम आ जाएगी। ये वापस तो सूख चुकी है, सूख गई है तो बाहर रख दो फिर, या नीचे ना रखना या कीड़ियाँ हो जाएंगी। उठा लेती हूँ सारा, पहले यहाँ से ही बर्तन तो उठाऊंगी। अच्छा चलें फिर, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं जी। तो पहले बहन भाई जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ सोते हैं तो गर्मी लगती है, बाइक सोते हैं देख लें वहाँ पे बच्चे लेटे हुए हैं। हाँ जी, तो क्या अच्छा, वो लेटी हुई है मोबाइल देख रही है, तो दोनों बच्चे सो चुके हैं, और मोहम्मद भी और सुबह फजैल भी, बाकी जब रात को अगर ठंड लगी तो अंदर भाग जाएंगे। हाँ देखेंगे, बाकी रात को देखेंगे। यकीन माने बगैर जूते के खड़ी हैं अभी, और फर्श गर्म है, फर्श गर्म है, जमीन तप रही है, होता रहता है कभी बुखार हो कभी कुछ हो कभी कुछ, तो कोई बात नहीं बहन भैया, भी जिंदगी का हिस्सा है। और माजा चाहते हैं, फ्रिज भी हमने चलाया हुआ, पंखा भी चल रहा है, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह भी आ जाइए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।